बहुत जगह में, बहुत कंट्रीज में आग लगने से बहुत विपत्ति आएगा. अच्छा, इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो. बहुत सा कंट्रीज में जंगल खत्म हो जाएगा. जंगल खत्म हो जाएगा. ओके, दैट विल क्रिएट. वो क्या होगा उसके लिए, ऑक्सीजन का कम होगा. ऑक्सीजन कम हो जाएगा. कम हो जाएगा. ओके ओके, जंगल से आता है, पेड़ से आता है ऑक्सीजन ना. वो नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा. अमेजन जंगल के बहुत बड़ा पोर्शन खत्म हो जाएगा. ओके ओके, दैट इज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर द वर्ल्ड. हाँ हाँ हाँ, सही बात है. अमेजन जंगल में आग लगने से बहुत सारे ये एरिया खत्म हो जाएगा. पेड़ पौधे जो है हमेशा के लिए नष्ट खत्म हो जाएगा. वो अगर नष्ट हो जाएगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोडक्शन भी बंद हो जाएगा. दिन जैसे हम बात किए थे अभी, आगिनगिरी का बहुत सारे उद्घाटन होगा, चारों तरफ लाभ आग फैलेगा उसमें, उसके लिए भी. और पृथ्वी का उत्पात ऊपर जो जलवायु है, उत्पात वृद्धि होगा आपका. उत्ताप मतलब जो टेम्परेचर, जो टेम्परेचर तापमान बहुत बढ़ेगा, तापमान जो है बढ़ जाएगा. और उसमें पिकुलेट ये है, जो भी ठंडा देश है, यूरोपियन कंट्रीज है, अमेरिकन है या इंग्लैंड है, जैसे भी है, जो कंट्रीज है, कोल्ड कंट्रीज है, वहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा. वहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा. बढ़ेगा, जैसे पिछले साल भी कई देशों में ऐसा देखा गया. और बढ़ेगा. अच्छा, एज पर साइंस, एज पर मालिका बोतर मैंने कॉइंसाइडिंग इक्वल होता है. रिसर्च रिपोर्ट है, टेम्परेचर जाएगा अप टू 54 डिग्री तक. 54 होगा तो फिर उन लोगों देश में जहाँ 30 डिग्री मैक्सिमम बताता था, जिना हराम हो जाएगा फिर तो लोगों. 54 लोग मरेंगे. हराम नहीं होगा, मर जाएंगे लोग, बहुत लोग. इस साल बहुत लोग मरे हैं इतना टेम्परेचर में. हाँ हाँ हाँ, 45-46 डिग्री आ गया था. जहाँ पर 30-32 होता है वहाँ पर 45 आ गया था. जी जी, इतना 10 डिग्री बढ़ेगा 2-3 साल में, जरूर बढ़ेगा. इस साल तो 24 में अप टू 50 तक नीचे कर जाएगा वो, 50 डिग्री तक. यहाँ पे क्या होगा, भारत में क्या होगा? भारत में देखिए तापमान बढ़ेगा, थोड़ा बढ़ेगा तापमान बढ़ेगा. 24 में माने हॉट ईयर होगा, हॉट ईयर होगा भारत के लिए. हीट वेव जो है वो देखने को मिलेगा. हाँ हाँ जी, लेकिन विल भारत इतना अफेक्टेड नहीं होगा जैसा यूरोपियन कंट्रीज. क्यों क्यों भारत ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि ये प्रभु का लीला है. अच्छा, क्या लीला है? जो कंट्री अभी गर्म है, से इंडिया हॉट कंट्रीज जितना है, उसमें से अधिकांश कंट्री कोल्ड कंट्री बन जाएंगे. उल्टा हो जाएगा आफ्टर 32. ओके ओके, जो सब कोल्ड कंट्रीज है वो हॉट कंट्री बन जाएंगे. कंट्रीज बन जाएंगे, उसका सिलसिला अभी से चालू होगा. अच्छा, और भी बहुत सारे देश हैं जिनका जो है नामो निशान मिट जाएगा. हम जाते हैं उड़ीसा में, हम जाते हैं कश्मीर देखने के लिए, बर्फ यहाँ मिल, यहाँ बर्फ जो है देखने मिलेगा. बट विल सी आज पर बालिका विल सी बर्फ इन कौन, खंडगिरी यस, भुवनेश्वर में. अच्छा, ढेंकानाल विल टर्न इन टू दार्जिलिंग. ओके ओके ओके, ऐसा भी होगा. ऐसे ही होगा, लिखा हुआ है मालिका में, ऐसे ही होगा. खंडगिरी सीखे बर्फ पड़ी, वो लिखा है, हम श्योर 12 हाथ जे बर्फ पड़े, वो अलग है, दैट इज सेपरेट. मीन मेनी कंट्रीज, जैसे यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन लैटिन अमेरिकन, मेक्सिको कंट्रीज है सब, कनाडा प्लस सम ऑफ दी आपका अफ्रीकन कंट्रीज में कुछ भी, और अरब कंट्रीज में भी भयंकरी बातें आएगा. अच्छा, मतलब समहाउ टर्नाडो एंड साइक्लोन्स, साइक्लोन ओके, चक्रवात तूफान जो है वहाँ पे आएगा. जैसे सऊदी अरब में आया था, मक्का में आया था, जी ऐसा ही आएगा. तो इंडिया में भी आएगा बात्या, विल फेस इंडिया में भी बहुत बड़ा बड़ा बात्या फेस करेंगे हम लोग. बड़ा बड़ा जो साइक्लोन है वो भी आने की संभावना है. मुझे याद है कि अगर 1999 की अगर मैं बात करूँ, उड़ीसा में जो तबाही मचाने वाला जो चक्रवात तूफान आया था उसका नाम था महावात्या, सुपर साइक्लोन 1999. उस समय लगभग स्पीड जो था हवा का वो था 350 किलोमीटर पर आवर, तो उससे भी ज़्यादा होगा. उससे ज़्यादा आएगा मिसाल, बिल्कुल मतलब कोस्टल उड़ीसा को नहीं आ सकता है, लेकिन अच्छा, आएगा. बाकी आएगा कहाँ भी, कहाँ आएगा, इंडिया में भी आएगा, बाहर में भी आएगा. मतलब खास करके भारत की अगर मैं बात करूँ तो किस किस राज्य पर ज़्यादा, देखिए इन वेस्टर्न साइड आपका गुजरात एंड महाराष्ट्र, ओके, ईस्टर्न साइड में आपका तमिलनाडु, आंध्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, पूरा असम ऑल्सो. नहीं असम नहीं, असम तो नहीं ना. अच्छा, असम में जाएगा थोड़ा बहुत जाएगा इधर से, लेकिन उतना नहीं. अच्छा, तमिलनाडु, असम
मैंने बहुत बाढ़ होगा आसाम में, बाढ़ होगा ईस्टर्न जो ईस्टर्न रीजन है सेवन सिस्टर्स रीजन, बाढ़ बहुत होगा, बाढ़ बहुत होगा वहाँ पे। अच्छा तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इन चार राज्यों में भी मतलब आने का बहुत चांस है सुपर साइक्लोन या साइक्लोन जैसा आएगा। ओके ओके, उड़ीसा में आएगा नहीं बोलता मैं, ये तमिलनाडु आएगा ऐसे नहीं बोल, किसी भी आ सकता है। नहीं देखिए मतलब सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है आजकल डिजास्टर मैनेजमेंट भी सही तरीके से कर रहा है, तो वो क्या सरकार इसको संभाल पाएगा या फिर सरकार भी मैनेज नहीं कर पाएगा? सरकार क्या बात है, वो कम कर देगा? कम नहीं कर पाएगा, लेकिन कैसे कम करेगा? डिजास्टर मैनेज हवा का स्पीड को रोक देगा? नहीं वो तो नहीं हो पाएगा, फिर लोगों का कम से कम नुकसान हो वो लोग को, हाँ वो कर सकता है, लोगों को आगे बाहर से बाहर ले आ सकता है, सुरक्षित स्थान पर जो है वो सकता है, माइग्रेट कर कराएंगे। अच्छा जैसे 19 में हुआ था, कोई नहीं मरा था, फनी साइक्लोन फनी, हाँ हवा का तेज तो मतलब काफी ज्यादा था, 4 घंटे 200 किलोमीटर था स्पीड में, 200 से ज्यादा था कुछ। तो ये गया, हो गया आपका मरुत, हो गया व्योम जी आकाश, बहुत सारे उल्कापात होंगे इस साल। अच्छा और अभी तक हम लोग 3 धूमकेतु देख लिया है, 3 बार आ चुका है इंडिया पृथ्वी का निकट तक, और एक आएगा बहुत बड़ा धूमकेतु वेरी नियर टू बर्थ, बहुत से उल्कापात होगा बहुत से जगह में इंडिया में। अच्छा इंडिया तो सॉरी इंडिया बोलते हैं पृथ्वी में बहुत सारे देशों में उल्कापात होगा बहुत सारे। आपका जो बारिश होगा वज्रपात बहुत होगा, बहुत लोग लाइटनिंग में मरेंगे, लाइटनिंग अच्छा अच्छा बिजली बहुत डेथ होगा उसमें। तो ये मोटा मोटी 5 तत्व का ये है प्रलय का जो है, मतलब अकाल मृत्यु जो है उसका संख्या जो है बढ़ जाएगा, है ना। तो क्या है कि ये हम लोग को अगर उनको देखने मिलेगा पंचतत्व में हो रहा है प्रलय, जैसे मालिका बनना क्या है मुझे जैसे मैं बोला अभी, तो मान लीजिए अंत निकटता है। अच्छा मतलब आपका ये मानना है कि पंचतत्व में ये जो भूख ये जो तबाही आने वाला है, प्रलय आने वाला है, महाविनाश, तो इसी के चलते ये समझ में आता है कि महाविनाश जो है निकट है और युग अंत के जो है ये संकेत है। यस अच्छा अच्छा, अभी तक जितना भी हुआ है युगों के अंत में प्रलय आया है, सब जल प्रलय में हुआ है। अच्छा हाँ ये तो है जल प्रलय है, तो वही लिखा गया है कि भविष्य मालिका में जो क्षेत्र है जगन्नाथ धाम उसकी 22वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा, क्या ये वही 24 पे नहीं होगा? वो 24 पे तो नहीं, नहीं 24 पे बिल्कुल नहीं, जो बोलते हैं बहुत गलत बोलते हैं। कब होगा ये? उसका चांस है 26 या 27 मीन शनि के योग, उस समय योग के बाद। अच्छा मीन शनि योग के बाद 26 को या 27 को होगा, 26 से या फिर 27 को होगा। यस तो 2024 से लेकर 27 तक, 25 से लेकर 27 तक अगर अब अगर इस साल भारत का अटैक हो गया 24 में तो 25 में होगा, तो मतलब भारत को इस साल अटैक होने की संभावना भी बन रहा है, बन रहा है इतनी जल्दी, क्या करें जो जो लिखा हुआ है हम वही बोलता है, इतना जल्दी होगा नहीं होगा मतलब परिवर्तन करता है, ऐसा कुछ माहौल बनेगा जैसे मतलब भारत पर अटैक भी हो सकता है। लेकिन इस साल मेरे ख्याल से पूरी के अंदर समुद्र घुसेगा, पूरी के अंदर समंदर घुसेगा, मतलब सुनामी आ जाएगा। सुनामी की आप बात कर रहे हैं? हाँ सुनाई थोड़ा पानी आ जाएगा, 22 पास का जो डूबने की बात है वो तो प्रभु जब जगन्नाथ जी जाएंगे छोड़ के तब जाके होगा, तब होगा वो होगा 27 में, 27 में जब होगा। अच्छा अच्छा 26 का एंड या 27 में होगा वो, ये सब होगा तो उस टाइम होगा वो, अब उसके पहले नहीं है, और वो पहला प्रलय होगा महाप्रलय में, उसके बाद जो आएगा रत्न सिंहासन को प्रभु जहाँ बैठते हैं ये करते हैं रत्न सिंहासन डूब जाएगा, रत्न सिंहासन प्रभु जहाँ थर्ड टाइम जो आएगा 32 में क्यों 29 से 32 के अंदर जो होगा जब ये उल्कापिंड बड़ा उल्कापिंड गिरेगा पृथ्वी का ऊपर उस टाइम जो होगा 2.5 किलोमीटर मंदिर का ऊपर 5 फीट पानी चलेगा, मंदिर के ऊपर मतलब जो नील चक्र है उसका ऊपर जो है पानी का खंडगिरी पहाड़ है उसका आधा डूब जाएगा, आधा डूब जाएगा। यस मतलब भुवनेश्वर खत्म की मतलब होगा सब खत्म, भुवनेश्वर कहाँ रहेगा? अच्छा अच्छा उस टाइम खंडगिरी देखा जाए तो भुवनेश्वर के एक टॉप पॉइंट पर है,
खंडगिरी अगर देखा जाए तो भुवनेश्वर के टॉप पॉइंट पर है, और वो आधा डूब जाएगा तो पूरा भुवनेश्वर जो है वो 300 बोलते हैं 300 फीट ऊंचाई का लहराएगा समंदर का जो लहर है 300 फीट का ऊंचाई तक आएगा। बाप रे, मतलब ये आप सब डराने के लिए तो नहीं कर रहे हैं? जो साइंटिस्ट बोल रहे हैं, जो मालिका बोल रहे हैं, वही हम बोल रहे हैं। हम क्यों डराएगा भाई किसी को, हमारा क्या जाता है? हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, मालिका क्या प्रमाण देता है और वैज्ञानिकों के जो साइंटिफिक, वही हम बोल रहे हैं। हम डराएंगे क्या? डरने का नहीं है। पापी लोग डरेंगे, भक्त लोग क्यों डरेंगे? भक्त लोग तो नहीं डरेंगे, कुछ नहीं होगा भक्त लोगों को, तो भगवान का जब जो आएगा 22 पास डूबने के लिए समुद्र आएगा, मालिका में लिखा हुआ है जहाँ भक्त होंगे वहाँ पानी नहीं जाएगा। अच्छा, वहाँ पानी डिवाइड होकर चला जाएगा, सुरक्षित रहेगा वो स्थान, नहीं तो वो जगह ऊंचा हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा, या फिर भक्तों को ऊंचाई जगह पर शिफ्ट किया जाएगा। नहीं, वो तो जहाँ खड़ा होंगे, अच्छा वो जगह ऊंचा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो ऊंचा हो जाएगा, पानी को टच नहीं कर पाएगा, पानी उसको छू नहीं पाएगा। ओके ओके, तो जो लिखा हुआ है वी हैव टू बिलीव इट, भक्त लोग को भी इसको विश्वास करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए बिल्कुल। अच्छा, मतलब इसका मतलब यही कि जब हम उड़ीसा की बात कर रहे हैं तो उड़ीसा प्रदेश में अगर ऐसा होगा तो उस समय देश के विभिन्न राज्य पर भी ऐसा ही होगा तबाही। देखिए, उड़ीसा का अंदर बिकॉज हम लोग समुद्र किनारे में है, और ये प्रलय समुद्र से आने का है। अच्छा, तो उड़ीसा भोगेगा, बंगाल भोगेगा, कोस्टल एरिया भोगेगा, आंध्रा भोगेगा, तमिलनाडु भोगेगा, बिहार कैसे भोगेगा? तो समुद्र नहीं है, समुद्र नहीं है, मतलब लोग दूसरा टाइप का बाढ़ आएगा, इतना बड़ा बाढ़ आएगा कि सब डूब जाएगा। अच्छा अच्छा, हो सकता है कि जो उत्तराखंड में जो डैम है तिहड़ी डैम, वो भी मतलब जैसे मालिका में लिखा है वो भी समय आने पर फट सकता है, फटने सब चला जाएगा ना, दिल्ली तक पानी आ जाएगा। भाकरा नंगल डैम वो भी टूटेगा, ऐसा भी लिखा गया है, सब डैम फट जाएगा, दिल्ली सिंहासन तक भी पानी आ जाएगा। इतना डैम है अभी बना हुआ है, 90% ऑफ डैम फट जाएगा, मतलब फट जाएगा या फिर उसको तोड़ दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, ये नहीं भी करेगा जो शत्रु पक्ष है, वो करेगा, वो जब भारत पर अटैक करेंगे तब जाके ऐसा होगा, ऐसा होगा। अच्छा, लोगों को परेशान करने के लिए और भारत को फिर से पराधीन करने के लिए ये उनका षड्यंत्र होगा। ये देखिए, हम जो भारत हम जो टाइम बोलते हैं ये अपना कैलकुलेशन हिसाब से बोलते हैं, ऐसा हो सकता है बोल के, लेकिन जगह युद्ध चालू हो गया, इंडिया अटैक चालू हो गया, आई कैन टेल परफेक्टली व्हिच ईयर व्हाट विल हैपन। हाँ, यस। अच्छा, आपका ये मानना है कि ये दवा के साथ आप कह सकते हैं अगर युद्ध शुरू हुआ तो इसका मतलब है कि आपके पास पूरा टाइमलाइन है, पूरा टाइमलाइन है, इसके बाद क्या कुछ होगा एकदम सब बता सकते हैं, प्रलय भी कब होगा वही बोल दूंगा मैं। क्या बात है। अच्छा, मतलब एक बार टाइमलाइन बस मैच हो गया,